बात करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। देखिए, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का कांग्रेस लगातार दावा कर रही है। कांग्रेस नेता अपने दावों को पुख्ता करने के लिए कई दलीलें भी देते हैं। कई सारी दलीलों के बीच अब कांग्रेस की तरफ से एक नई दलील सामने आई। दलील थोड़ी सी अजीब है और ये दलील दी है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने। पीसी शर्मा ने कहा कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल और उन्होंने ही राजभवन में कमलनाथ को सीएम पद की शपथ दिलाई थी और अब वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राज्यपाल बन चुकी हैं तो उपचुनाव के बाद कमलनाथ फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। और फिर बनेगी ये सभी सीटों पे जो उपचुनाव होंगे कांग्रेस जीतेगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उसकी एक वजह और है, जिस समय हमारी सरकार बनी थी तो गवर्नर थी आनंदीबेन, इन्हें शपथ दिलाई थी, फिर आ गई है ये, इसलिए फिर सरकार बनेगी, फिर शपथ दिलाएंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही योगेश यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आनंदीबेन पटेल कांग्रेस के लिए लकी साबित होंगी, कांग्रेस का ये कहना है। पीसी शर्मा उन्होंने ये बात कही। आशीष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? योगेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है जी। योगेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरीके से कांग्रेस की ये दलील है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कांग्रेस के लिए लकी साबित होगी। नहीं, ये बिल्कुल एक सुखद संयोग हो सकता है, क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है तो निश्चय ही हम ये मानकर चलते हैं कि राज्यपाल महोदया हमारे लिए लकी साबित होंगी। ऐसे बहुत सारे और भी संयोग हैं और ये आशा इसलिए भी बलवती होती जा रही है, कुछ ऐसे सुखद संयोग बन रहे हैं कि वो निश्चय इस बात का संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पुनः सरकार बनाएगी। जिस तरीके से पब्लिक में हमें सीट पर विशेषकर 25 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ध्वस्त की गई थी, कांग्रेस की विधायिका जो विधायक वहां पर उपस्थित थे उनको हटाकर, तो उस जगह हमें ऐसे सहयोग मिल रहे हैं, सुखद सहयोग आ रहे हैं हमारे पास। निश्चय लग रहा है कि कांग्रेस पुनः सत्तारूढ़ होगी और उसमें यदि ये मान लिया जाए कि आनंदीबेन पटेल यहाँ पर आ गई है तो इसको सुखद सहयोग कहें तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और निश्चय ही कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज में। कांग्रेस का यहाँ पे ये कहना है कि सुखद संयोग बन रही हैं कांग्रेस की जीत के लिए, अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कांग्रेस के लिए लकी साबित होंगी। देखिए, जब लोगों में पुरुषार्थ की कमी होती है तो लोग टोने टोटके का सहारा लेते हैं, तो कांग्रेस कितनी दुखद स्थिति में आप समझ सकते हैं। परंतु हाँ, आनंदीबेन पटेल जो हमारी महामहिम राज्यपाल है वो निश्चित ही एक कर्मठ है और जब भी वो जहां पर भी जिस क्षेत्र में जाती हैं अपना प्रभाव छोड़ती हैं तो वो कांग्रेस के लिए तो भले ही ना हो परंतु मध्य प्रदेश के लिए सुखद होगा। मध्य प्रदेश को एक बेहतर प्रशासक के रूप में वो जहां पर भी उनकी आवश्यकता होगी उनकी सेवा देगी और जिन लोगों के पास ना नेता होता ना कार्यकर्ता होता और ना ही संगठन होता तो वो निश्चित ही कुछ ना कुछ टोने टोटके का प्रयास करेंगे तो कांग्रेस ही लगे रहे। जी योगेश जी, मैं आपसे जवाब लूंगी लेकिन हम अपने दर्शकों को कुछ और भी यहाँ पे चीजें बताना चाहेंगे कि आपको बता दें कि कांग्रेस देखिए विधायक दल की बैठक में कमलनाथ ने कहा था कि अब विधायक दल की बैठक राजभवन में शपथ लेने से पहले होगी और इसे लेकर भी बीजेपी ने खूब चुटकियां ली थी। कांग्रेस नेता इससे पहले उपचुनाव जीतने की कई और दलीलें दे चुके हैं, मसलन बीजेपी के नेता ही उपचुनाव में पार्टी को सबकी सबक सिखाएंगे। दूसरी दलील ये थी कि जनता चुनाव लड़ेगी ना कि पार्टी, इसलिए जीत होगी। तीसरी दलील ये दी थी कि कांग्रेस का सर्वे आया है कि उसमें 24 सीटें कांग्रेस जीत रही है। चौथी दलील ये दी गई कि कमलनाथ के कामकाज से प्रभावित होकर जनता कांग्रेस को वोट देगी। चुनाव में हर पार्टी अपने तरीके से जीतने का दावा करती है लेकिन कांग्रेस चुनाव जीतने की जो दलीलें दे रही हैं उनमें से कुछ दलीलें तो गले ना उतारने वाली हैं। योगेश जी, इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। इतनी सारी दलीलें दी गई सर लेकिन कहीं ना कहीं ये दलीलें गले से नहीं उतर रही हैं। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम चुनाव हार गए हैं जो हम इन दलीलों को स्वीकारोक्ति ना दें, निश्चय ही दलीलों में दम है। आज पब्लिक का जिस तरीके से रिस्पांस कांग्रेस को प्राप्त हो रहा है वो जगह तरीके से अंतर विरोध भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ही अपनी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं जग जाहिर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस के आयातित जनता पार्टी में जो हमारे पूर्व विधायक हो चुके हैं उनको मान्यता प्राप्त नहीं हो रही है। ये जग जिसने कि सिंधिया जी को एक सिंधिया भाजपा के रूप में अलग पार्टी के रूप में अलग गुट के रूप में किया जा रहा है, ये जग जाहिर है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास कम हो रहा है, इसकी खरीद फरोख का दौर जारी है।
क्या जरूरत पड़ रही है कि इनको खरीद फरोख का दौर करें, कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, वो घबरा रही है, उसको डर लग रहा है कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। और जहां तक टोने टोटके की बात है तो आशीष जी, मैं आपको 1000 टोने टोटके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बता दूं तो आप यही कहेंगे कि उसका पुरुषार्थ नहीं है क्या? आप मेरी संख्या सुनते जाएंगे तो आप दंग हो जाएंगे। आपके कौन से नेता टोने टोटके में विश्वास नहीं रखते ये बताइए। आपका तो आधार ही टोने टोटके के आधार पर आप राजनीति करते हैं, अंधत्व धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं और पुरुषार्थ की बात करते हैं। आज जनता जिस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही, विश्वास तो सुखद सहयोग तो ये है, संकेत इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों करा रही। आशीष जी, बीजेपी का आत्मविश्वास कम हो रहा है, तभी खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है। भाई आप इतने आत्मविश्वासी हैं तो कांग्रेस के योगेश जी समाप्त कर ले तो मैं अपनी बात कहता हूँ। देखिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ की कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ रही है, योगेश जी लोगों की आप आलोचना करते हैं। योगेश जी आशीष जी को सुन लेते हैं, आपने जी आशीष जी को भी सुन लेते हैं। देखिए धर्म और टोने टोटके में अंतर होता है, अध्यात्म और टोने टोटके में अंतर होता है। और ये योगेश जी बड़े ही काबिल प्रवक्ता हैं, बड़े ही विचारवान प्रवक्ता हैं, बेहतर समझते हैं। कांग्रेस की दलीलें तो अब करिश्मा जी मुझे नहीं मालूम, परंतु 15 माह में मैंने कांग्रेस के दलाल जरूर देखे थे जो हर सरकारी कार्यालय के बाहर बैठे होते थे और कार्यकर्ता और जनता के काम नहीं बल्कि सीधे कमलनाथ और दिग्विजय तक पैसा पहुंचा के काम कराते थे। तीसरा विषय, कांग्रेस अगर दलीलें दे रही है तो मेरे 3 प्रश्न का जवाब जरूर थे। 15 माह में सबसे पहले तो एक बेरोजगार ले आए जिसको उन्होंने भत्ता दिया है, एक किसान ले आए जिसका 2 लाख का कर्ज माफ किया है, और एक निराश्रित ले आए जिसको इन्होंने ढंग से पेंशन दी हो। सच्चाई ये है कि 15 माह के कुशासन के बोझ से दबी हुए कमलनाथ कभी वापसी नहीं कर पाएंगे और चुनाव जीतने के लिए जो एक संगठनात्मक क्षमता होती है वो कांग्रेस में कभी रही नहीं है, और नेता जो इनका एकमात्र संगठन होता था वो आज भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। चलिए आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब योगेश जी संक्षिप्त में दीजिएगा। जी करिश्मा जी, शायद आशीष जी का जनरल नॉलेज कम है, ये जो तीनों बातें कही है ये नकारात्मक बातें कही है, तीनों झूठ कहा है। किसानों को ऋण माफी हुई है, बेरोजगारों के भत्ते की शुरुआत हुई है और कांग्रेस ने जो वचन पत्र कायम किए थे उस पर अड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो 125 दिन पूरे होने वाले हैं, आपके वादों का क्या हुआ? एक कोरोना वायरस आपसे संभल नहीं रहा है, प्रशासन नाम की चीज है नहीं आपके पास, आपके मुख्यमंत्री स्वयं ही ग्रसित हो गए हैं तो सरकार के प्रति किस किस जवाबदेही को रखेंगे? आप स्वयं फैसला कीजिए कि सरकार किस तरीके से चल रही है। कोरोना वायरस से ग्रसित सरकार कि जिसके मुखिया को ही ये नहीं पता है कि कैसे सचेतना करना चाहिए और कैसे अपने आप में निगरानी की जानी चाहिए। योगेश जी सरकार की क्या हालत है आप अपने आप में कर चलिए जो योगेश